चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। कोरोना जैसी महामारी से लोग क्वारंटाइन होने से घबराते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं वहां पर कैसी व्यवस्था होगी, क्या करना होगा और क्या क्या नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा क्वारंटाइन सेंटर खुला है जहां पर लोगों को व्यस्त और स्वस्थ रखने के लिए अनोखे प्रयोग किए गए हैं। यहां पर क्वारंटाइन किए गए लोग न केवल बैडमिंटन खेलते हैं बल्कि क्रिकेट और वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं। बस इन खेलों को खेलने के लिए मात्र एक शर्त है और वह है शारीरिक दूरी। शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए यह खेल क्वारंटाइन किए हुए लोग खेल सकते हैं। दरअसल गुरुद्वारा मजनू का टीला से इन लोगों को नेहरू विहार के सर्वोदय कन्या विद्यालय में 1 अप्रैल को क्वारंटाइन किया गया था। क्वारंटाइन किए जाने के बाद कई लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए या फिर कई लोग छतों पर चढ़ रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने यहां से भागने की भी कोशिश की थी। इसके बाद जब इन लोगों से प्रशासन ने बात की तो लोगों ने अपना समय व्यतीत न होने की समस्या बताई। इसके फौरन बाद मध्य दिल्ली की जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने डॉक्टरों की राय लेने के बाद इनको क्रिकेट, बैडमिंटन और वॉलीबॉल उपलब्ध करवाई। अब यहां पर लोग सुबह खाना खाते हैं और दोपहर और शाम को अपनी पसंद के अनुसार खेल गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। खेल सामग्री उपलब्ध होने के बाद यहां पर न ही कोई भागने की घटना हुई है और न ही किसी गलत गतिविधि की कोई घटना सामने आई है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए क्वारंटाइन किए गए लोगों को खेलने की छूट तो दी गई है, लेकिन इस बात का भी बेहद ख्याल रखा जा रहा है कि शारीरिक दूरी के नियमों का पूरी तरह से पालन हो। इसकी निगरानी के लिए यहां पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। इन लोगों को सैनिटाइजर और साबुन उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं आवश्यकता के हिसाब से मंजन और टूथब्रश भी उपलब्ध कराए गए हैं। क्वारंटाइन किए गए करीब 20 लोगों को विभिन्न प्रकार के नशे की भी आदत थी, लेकिन यहां पर नशा मुक्ति केंद्र के डॉक्टरों को भी तैनात किया गया है। यह टीम इन लोगों की लगातार काउंसलिंग कर रही है। इसमें टीम को सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं और लोग अब नशे की सामग्री की मांग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद यह लोग शायद नशा मुक्त भी हो जाए। अधिकारी आगे बताते हैं कि मानसिक रूप से लोग अपने आप को बंधा हुआ न समझें और व्यस्त रहें, इसके लिए लोगों को कुछ खेलों को खेलने की छूट दी गई है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शारीरिक दूरी के नियमों का भी पूरी तरह से पालन हो सके। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।